हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्चना। वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना पीटी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है लिसनिंग द फीलिंग इन द प्लैंक्स। जो थर्ड टास्क होंगे लिसनिंग का, ये राइटिंग भी इंपॉर्टेंट टास्क है, लिसनिंग भी। थर्ड टास्क है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर तो बाद क्वेश्चन आता है। 5 सेकेंड तो बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। जिम्मे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं, जिम्मे खत्म होंगे हो सकता है एक आए तो हो सकता है क्वेश्चन 2 आन। बी प्रिपेयर विद योर नोटपैड एंड मार्कर, क्योंकि तुसी एकदम लिखना होंगे। 5 सेकेंड तो बाद स्टार्ट हो जाता है। कई बार दूजे तीजे नंबर से ही ब्लैंक होंगे, कई बार फर्स्ट से भी होंगे। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, तुसी बिल्कुल ध्यान रहना अपने मार्कर एंड नोटपैड के नाल, क्योंकि तुसी की करना है। देखो, कंसेंट्रेशन तुहाडी लिसनिंग च होनी है पूरी, एंड जिहड़ी आईज है तुहाडी स्क्रीन ते, क्योंकि तुसी एक एक वर्ड सुन रहे हो स्पीकर का, ते तुसी ओही तुसी उत्थे देख रहे हो स्क्रीन ते। जिवें ही वो मिसिंग ब्लैंक्स होंगे, जिवें ही वो ब्लैंक आया, जिहड़ा कोई स्पीकर ने जो भी वर्ड बोलिया, तुसी फटाफट नोटपैड ते नोट करना है। ते ध्यान रखना, तुसी वर्टिकल दे विच नोट करना है, होरीजोंटल नहीं करना, वर्टिकल दे विच तुसी नोट करना है। क्योंकि कई बार की होंगे होरीजोंटल च बच्चे नोट कर लेंगे, एक लाइन च 2-3 ब्लैंक भी होंगे, 2 ब्लैंक भी होंगे, वो कन्फ्यूज हो जाते फर्स्ट दे विच सी या सैकंड दे विच सी, क्योंकि वो पता नहीं लगता। इस करके मैं प्रेफर करांगी तुहानू कि वर्टिकल दे विच ही तुसी लिखो, ताकि तुहाडा कोई भी ब्लैंक गलत ना हो। जिस लाइन दे विच 2 ब्लैंक होंगे, 2 ब्लैंक्स होंगे जिस लाइन दे विच, उत्थे तुसी की करना है, वो लाइन तो तुसी लिख रहे हो फर्स्ट ब्लैंक लिखते हैं, फर्स्ट तो बाद नीचे उससे थले सेकेंड दैन थर्ड, लाइक थर्ड दे विच 2 ब्लैंक्स है थर्ड लाइन दे विच, उत्थे तुसी कॉमा पा के थर्ड वाला उहदे विच फर्स्ट दैन कॉमा पा के दूजा वाला लिख सकते हो। कोई भी तुहाडा एवें ब्लैंक गलत नहीं होएगा। जे कोई भी मिस हुंदा है, इस चीज का भी तुसी ध्यान रखना है, जे तुहानू कोई वर्ड पता नहीं लग्या, लाइक स्पीकर ने बोलिया ब्लैंक सी ते पता नहीं लग्या स्पीकर ने बोलिया की है, तुसी की करना उत्थे लाइन एक लाइन तुसी मार्क कर देनी है। इस चीज का तुसी ध्यान रखना है, जे तुसी एवें चल रहे हो लाइक वर्टिकल दे विच एक तो बाद लिख रहे हो, एक मिस भी हो जाता है, क्योंकि तुहानू पता नहीं लग्या कि स्पीकर ने की बोलिया, उत्थे तुसी लाइन मार्क करके दैन नैक्सट वाला तुसी कर लेना है। जेकर तुसी ओदे नाल ही कर देंदे हो, मतलब कि जिहड़ा मिस होया ओदी थां ते तुसी अगले वाला लिख देंदे हो सकदा है तुसी उत्थे भुल जाओ, तो तुम उत्थे ही वह वाला ब्लैक लिख दो, नैक्सट वाला भी गलत हो जाएगा, तो उस तो पहला वाला भी। इस चीज़ का तुम बहुत ध्यान, कोई भी वर्ड तुम लिख रहे हो स्पैलिंग ये बहुत मैटर करते हैं। जो स्पैलिंग रोंग हो गए, चाहे तुम वर्ड सुन भी लिया बट स्पैलिंग रोंग है, वो आंसर थोड़ा रोंग हो जाएगा। स्पैलिंग का तुम बहुत ध्यान रखना है। तो एक वर्ड ही होंगे, मोस्टली एक वर्ड ही होंगे, जिथे 2 वर्ड आ गए ना वो हाइफन होएगा। इस चीज़ का तुम ध्यान रखना है, जिथे 2 वर्ड आ रहे हैं वो हाइफन होएगा। कदे भी तुसी 2 मतलब एक वर्ड लिख के स्पेस पा के दूजा वर्ड नहीं लिखना, एक वर्ड या फिर 2 वर्ड दे विच एक हाइफन होंदा। इस चीज का भी तुसी ध्यान रखना है। कोई भी प्रॉपर नाउन है, लाइक किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ लिखा हुआ है, W का कैपिटल है, H कैपिटल है, तो ऑर्गेनाइजेशन का O भी कैपिटल आएगा। इस चीज का भी तुसी ध्यान रखना है। कोई यूनिवर्सिटी का नाम है, कॉलेज का नाम है, या किसी परसन का नाम है, इस चीज का तुसी ध्यान रखना। कोई भी प्रॉपर नाउन है, फर्स्ट लैटर शुड बी इन कैपिटल। तो इस चीज का भी तुसी ध्यान रखना है, जे फुल स्टॉप है, लाइक लाइन खत्म होगी फुल स्टॉप तो बाद ब्लैंक शुरू होया, उत्थे भी तुसी फर्स्ट लैटर जिहड़ा वो कैपिटल च ही लिखना है। जे उत्थे तुसी स्मॉल लिख देंदे हो, वह भी थोड़ा गलत हो सकता है। इस चीज का तुसी ध्यान रखना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जदों भी तुसी यूज कर रहे हो, लाइक ग्लोबलाइजेशन, जे तुसी अमेरिकन यूज कर रहे हो एस वाला, ग्लोबलाइजेशन च एस वाला यूज कर रहे हो, तो अगले च जे कोई एवें दा वर्ड आ जाता है जिदे विच एस जेड दे विच तुसी कन्फ्यूज हो जाओ, जे तुसी एस वाला यूज करो एस वाला यूज करो, जे तुसी जी वाला यूज करो जेड वाला वो तुसी जेड वाला यूज करो, जे तुसी यू आर लाइक बिहेवियर फेवर एवें दे वर्ड है तुसी यू नहीं लिखते, अमेरिकन वाला यूज कर दो फिर अमेरिकन वाला यूज करो, एंड जे तुसी ब्रिटिश वाला यूज करते हो यू आर मतलब फेवर लाइक FAVOUR, जे तुसी ए वाला यूज कर रहे हो फिर तुसी बिहेवियर फेवर फिर तुसी ब्रिटिश वाला यूज करो। इस चीज का भी तुसी ध्यान रखना है। जे तुसी एक च अमेरिकन एक च ब्रिटिश वाला यूज कर रहे हो वह भी थोड़ा रोंग हो सकता है। एक स्टूडेंट SED वाले वर्ड्स बड़े कन्फ्यूज होंगे। देखो, जो तुहानू सुनिया तुसी ओही लिखना है, जो तुहानू सुनिया लाइक हैव हैड हैज, जे ए लिखा हुआ उस तो बाद वाला वर्ड है फिर तुसी ईडी ला सकते हो, मे बी वो प्रोपर नाउन दे विच सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट या
पास्ट परफेक्ट दे विच ही सेंटेंस होवे ते उस चीज दा तुसीं ध्यान रखना अननेसेसरी अपने वल्लों एस ते ईडी नहीं लाना। कई स्टूडेंट्स की करते हैं अपने वल्लों की ज्यादा ए यूज होंदा है एस लाता ईडी लाता वो गलत हो जाता है। फिर उस चीज दा तुसीं बहुत ध्यान रखना है अपने वल्लों तुसीं अननेसेसरी एस ईडी नहीं लाना। जो तुहानूं सुनिया है जो तुहानूं सुनिया जो तुसीं लिखिया है उही तुसीं लिखना है। इन केस कोई वर्ड तुहाडा स्किप हो गया मतलब कि बोलिया स्पीकर ने तुहानूं समझ नहीं आया वो ब्लैंक दे विच की सी ते उत्थे तुसीं स्टक नहीं होना। उत्थे कई बच्चे स्टक हो जाते ते नैक्सट वेले दो तीन जिहड़े भी आंसर होंदे आ वह भी उहनां दे रह जांदे आ। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है जे हो गया वह स्किप हो गया तुहाडे तों हो गया तुसीं नैक्सट वेले ते ध्यान दो स्पीकर दे नाल नाल चलो। हो सकता है कि अगले वाले जो वर्ड जो स्किप कर जो तो भी मार्क्स चले जाने हैं। जो स्किप हो एक वर्ड स्किप हो गया तो वर्ड भी सुन गया मतलब नहीं सॉरी स्पैलिंग नहीं पता लगे उन्होंने भी वह तुम छड़ दो जिमें तो स्पैलिंग आते उम्मीद तुम लिख दो दैन अगले वाले तो कॉन्सेंट्रेट करो उसे स्टक नहीं। किसी भी लाइक टॉपिक का नाम होंगे ब्लैंक के आ भी जाता है और नाम तो देखो कोई एवं का नाम होंगे अननोन जो नहीं सुनिया पहला कदम बट की है या एवें का नाम है जिसे तुहानू स्पैलिंग नहीं पता तुसीं स्किम करना एक बार पैराग्राफ नू जो तुसीं आंसर टाइप करो क्योंकि सब तो पहले तुसीं डायरेक्ट नहीं टाइप करना तुसीं नोटपैड ते ही अपने आंसर नोट करना दैन उस तो बाद तुसीं टाइप करना। तुसीं उत्थे देखो जे तो स्किम करके देख लो वह वर्ड हैगा उस स्पैलिंग में तुहानू पता लग जाएंगे तुसीं उस स्पैलिंग भी लिख सकते हो क्योंकि कई बार की हुंदा है मुश्किल वर्ड होंगे जिम्मे ब्लैंक दे विच ते ओ ऑलरेडी वर्ड पैसेज दे विच होंदा ओ टेक्स्ट दे विच होंदा है ते तुसी ओ एक बार स्किम कर सकते हो पढ़न नहीं पैगा मतलब उन्हें जस्ट देखना है कि वर्ड एदे विच है ते तुसी उत्थे स्पैलिंग जड़े है ओ तुसी नोट कर सकते हो देख के तुसी लिख सकते हो तुहाडा गलत नहीं होएगा। ते रोज़ दे डेली दे तुसी 5 to 6 क्वेश्चन एदे प्रैक्टिस करो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एक ब्लैंक एक नंबर दा है जे एक क्वेश्चन दे विच 5 ब्लैंक है 6 ब्लैंक है 5 to 6 नंबर्स दे है जे तुहानू दो क्वेश्चन आ गए उहदे विच एक दे विच 4 है ते ओह 4 नंबरां दे 3 आ गए 3 दे विच एक दे विच 5 है एक दे विच 4 है ते एक दे विच 3 है ते 12 मार्क्स दे होगे। जिहदे मार्क्स लिसनिंग च भी रहिंदे आ ते इहदे मार्क्स राइटिंग नूं भी जांदे आ। इस चीज़ का तुसीं बहुत ध्यान रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। कंसंट्रेशन तुहाडी लिसनिंग दी पूरी होनी चाहीदी है स्पीकर दे नाल नाल ही तुसीं चलना है जो कुछ स्पीकर बोल रहे हो दे नाल नाल ही तुसीं नोट करते जाना आईज अपने तुसीं स्क्रीन पर रखनी है डायरैक्ट टाइप नहीं करना। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है डायरैक्ट तुसीं कदे भी टाइप नहीं करना पहला नोट पैड से ही तुसीं अपने आंसर लिखने हैं। जो भी मैं तुहानूं टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज दसियां है प्रूवन टिप्स है प्रूवन स्ट्रैटेजीज है तुसीं यूज करो अप्लाई करो तुहाडे ब्लैंक्स जिहड़े ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। जिवें मैं तुहानूं दस्सिया एवें एवें तुसीं करदे रहो मतलब 5 to 6 डेली दे अपनी एक स्कैड्यूल तुसीं बना सकते हो उहदे अकॉर्डिंग तुसीं इह टास्क नूं मतलब प्रैक्टिस करी जाओ ते तुहाडे इह जिहड़ा क्वेश्चन है इह बहुत वधिया हो जाऊगा। तुहाडे इनिशियली हो सकता है तुहाडे घट ही इहदे विच सही होण लाइक 2 to 3 ही सही होण जिन्हां दे स्पैलिंग वधिया लिसनिंग स्किल्स वधिया उहनां दे तां इह सारे सही हो जाणगे। जिन्हां दे नहीं लिसनिंग स्किल्स वधिया या फिर स्पैलिंग च उहनां नूं प्रॉब्लम आउंदी है ते तुसीं इहनूं इनिशियली हो सकता 2 to 3 ही ठीक होण हो सकता 2 ही ठीक होण। तुसीं डेली दे इह प्रैक्टिस करोगे डेली दी प्रैक्टिस करोगे तुहानूं वर्ड भी पता लगेगा कि वर्ड दे स्पैलिंग की है कि एक्सेंट की है स्पीकर जिहड़ा कुछ बोल रहा है किवें बोलदा उहदा एक्सेंट की है तुहानू वर्ड्स भी पता लगने स्टार्ट हो जाणगे कि स्पीकर किवें बोलदा है ते ओह वर्ड किहड़ा है। उस तरीके तुसीं इस दी प्रैक्टिस करो बहुत तुहाडा इंप्रूव हो जाऊगा वधिया तुहाडा स्कोर आएगा लिसनिंग दे विच भी वधिया स्कोर आएगा ते राइटिंग नूं भी कॉन्ट्रीब्यूट हुंदा है ते कोई भी तुहानू प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर मोर इनफॉर्मेशन तुसीं साडी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो एंड तुसीं सानूं कॉल कर सकते हो डिटेल्स लई क्लासेस दी 8264844070 एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक करना ना भुल्यो ते चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भुल्यो क्योंकि डेली बेसिस ते असीं वीडियो बना रहे हैं।